अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस बचवा। हेलो देवयानी बेटा, बेटा वो चुड़ैल के बारे में कुछ पता चला? रूपा जी, हम पता लगा रहे हैं और जैसे ही पता कुछ चल जाएगा आपको इतला कर देंगे। हमने हमने उस लड़के से भी बात की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वहां से हमें कुछ पता नहीं चला। फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। दद्दू, क्या हुआ उस चुड़ैल का कुछ पता चला? मतलब उसके कंकाल का क्या? उस चुड़ैल ने उस कंकाल को छुपा दिया था ना? तारा रानी बुचिया, हमने कहा आपसे कि हम पता लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल घबराइए मत। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इत्तला कर देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बचवा, प्रभु कहते हैं संकट काल में भी इंसान को धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए और खुद की मदद खुद करनी चाहिए, किसी पे मुनस्सर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? हमें हिम्मत करके रुद्र खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आओ हिम्मत करो, आओ हिम्मत करो, आओ बचो। दादू, ये देखो। ये रुद्र जी और गौतम का नाम है और ये तारीख, ये एक सेकंड, स्टेटमेंट देखा था हमने कुछ। इसके हिसाब से तो रुद्र जी और गौतम जी एक साथ कहीं जाने वाले थे और ये आखिरी वक्त पर गौतम ने मना कर दिया जाने से, तो रुद्र जी को अकेले जाना पड़ा क्योंकि गौतम नहीं आया। किस्सा मुख्तसर ये है बचवा कि गौतम झूठ बोल रहा था। मैंने रुद्र से पूछने की कभी कोशिश नहीं की क्योंकि उस दिन के बाद रुद्र मुझसे दूर दूर रहने लगा। फिर कॉलेज खत्म हो गया और हमारा टच हमेशा के लिए छूट गया। इसका मतलब ये बातें हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही। हमें सारा सच पता तो करना ही होगा। जाकर गौतम से बात करते एक और बार। आई आई बचवा आई। ये पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। ताला लगा। हम कह रहे थे ना दादू,
आदमी गड़बड़ लग रहा है पूरा का पूरा। हमें ये ताला लगाकर ऐसे ही हम कह रहे थे ना बच्चों, हमें ये ढूंढना है कि हमें जिस कहानी का तलाश है वो इस ताले में हमें मिलेगी नहीं। ये ताला लगा के क्यों और कहां गया है इसकी तलाश तो हमें करनी पड़ेगी। ये धोखेबाज, हम बताऊं आपको दिव्यानी बच्चा, हम चलता हूं पुलिस के पास और बहरूपिया सारा कच्चा चिट्ठा वहां सामने हम कर दूंगा, पुलिस दूर का दूर ऐसे छिलका निकाल। दादू पुलिस से बात करके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हमें क्या लगता है हमें आसपास यहां कोई रहने वालों में से पूछ लेना चाहिए। कि वो... देखिए आई एक सेकेंड भैया जी, ये यहाँ गौतम जी जो रहते हैं आपको पता है कहाँ गए हैं? हाँ गौतम, वो तो अब भी जस्ट पूरा सामान लेके अपने गांव निकल गए। आप बता सकते हैं उनका गांव कौन सा है? लखनऊ से 5-6 घंटे की दूरी पर एक रामपुर नाम का गांव है, वहां रहते हैं वो। ओके शुक्रिया। रामपुर के लिए यहाँ से कहीं से बसेस जाती है ना? बस स्टैंड जाकर चेक कर ले एक बार, शायद गौतम को वहीं पकड़ लेंगे हम। बचवा, पहले तो हमें पता नहीं ये 5-6 घंटे कौन सा गांव है, ये पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी ये फल के पीछे भागने कौनो मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है कि जड़ का है, जड़ ही है कि रुद्रा का और माया का आपस में कुछ साठ गांठ था। नहीं दादू, हमारा दिल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो गौतम है वो झूठ बोल रहा था हमें, और इस बारे में अगर हमें कुछ भी पता चल सकता है तो सिर्फ गौतम ही हमें बता सकता है दादू। देखिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी बात का यकीन मानिए और चलिए हमारे साथ। थोड़ा और तेज चलाइए ना, ये गौतम अगर हाथ से निकल गया ना तो फिर रुद्र जी को नहीं बचा पाएंगे। हेलो हेलो देवयानी दीदी, खुशी खुशी कहाँ हो तुम? दीदी मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, वो गंदी आंटी पापा को मार रही है।